Now we will discuss ethical decision making in crisis situation. With no time to prepare carefully reasoned decision during the previously mentioned procedure there come the situation then therapists have to do some action without having any time to prepare themselves for any specific situation when it comes to the emergency. ऐसी सिचुएशन में आ, अपने आप को प्रिपेयर करना और सेटिसफेक्ट्री परफॉर्म करना भी एक चैलेंज होता है इट इज़ इवन पॉसिबल कि इस तरह की जो एग्ज़ाइटी सिचुएशन है वो थेरेपिस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा एग्जाइटी जो है वो प्रोड्यूस करे दैट ही डजेंट टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू टू डू डिसाइड एनी थिंग प्रॉपरली बिहेवियरल एमरजेंसीज एंड क्राइसिस आर ऑफन थाट इंटरचेंजेबल जैसे हम डिफरेंट तरह की एमरजेंसीज की बात करते हैं कोई पोलिटिकल एमरजेंसी हो सकती है या कोई और सिचुएशनल एमरजेंसी हो सकती है इसी तरह बिहेवियरल एमरजेंसी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि इसके अंदर जो एमरजेंसी की नेचर है वो किसी ह्यूमन बींग के बिहेवियर की वजह से इमर्ज हो रही होती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट वट काइंड ऑफ डिसीजन वी हैव टू मेक ड्यूरिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अ बिहेवियरल एमरजेंसी रिक्वायर्स एन इमिजिएट रिस्पॉन्स एंड इंटरवेंशन टू अवॉइड पॉसिबल हार्म अब वो हार्म क्या हो सकता है वो हार्म जो है वो मे बी इट कुल बी थ्रेट ऑफ सुसाइड इट मे बी थ्रेट ऑफ होमिसाइड इट मे बी यू नो विक्टन या कोई उसमें फिजिकल साइकोलॉजिकल या इमोशनल एब्यूज या हार्म हो सकता है कोई मारपीट हो सकती है कोई वायलेंस हो सकता है और इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर जो है वो एक बिहेवियर एमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है द क्लाइंट स्टेटस मस्ट फर्स्ट भी एवेल्यूटेड एंड फॉलोड बाई एन इंटरवेंशन टू रिड्यूज द रिस्क ऑफ हार्म नाउ गिवन द एग्ज़ाम्पल फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक खातून आती है और वो कहती है कि जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकली अब्यूज़ किया है अब उसके साथ कैसे डील किया जाएगा फर्स्ट ये देखना जरूरी है कि उसकी सिचुएशन क्या है गिवन सिचुएशन इज़ दैट कि उसको काफ़ी ज्यादा ब्रूजेज हैं और वह बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है वह क्राई कर रही है और वो अपनी सिचुएशन बता रही है तो मे बी इट वुड बी अ गुड आइडिया टू फर्स्ट लिसन टू हर कम्प्लीटली उसको कंसोल किया जाए उसकी पूरी बात को सुना जाए उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया जाए और उसके बाद उसको मजीद उसके लिए कोई ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड किया जाए बट गिवन इन अ सिचुएशन कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है और वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल किस्म की कंडीशन में आई है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइज करना उसको फर्स्ट एड और एमरजेंसी देना जरूरी होगा सो दीज आर द काइंड ऑफ द थेरेपिस्ट हैव टू सी देन एंड देयर ऑन द स्पॉट और वहां पर उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कैसे बिहेव करना है क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि एक ब्लीड होते हुए क्लाइंट को आप पहले कंसोल करें उसकी बात सुने वहां पर इमरजेंसी की नेचर जो है वो डिफरेंट है और आपका डिसीजन भी अकॉर्डिंगली जो है वो डिफर करेगा सो फाइनली प्लान मस्ट बी क्रिएटेड फॉर व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन क्राइसिस ऑन द अदर हैंड शुड बी रिजर्व फॉर एन एक एक्सटर्नल इवेंट दैट कॉज अ लॉस ऑफ साइकोलॉजिकल इक्वलिविर लीडिंग टू द इंडिविजुअल डिफिकल्टी विथ कोपिंग समटाइम्स इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल अपनी जो मेंटल बैलेंस है वो थोड़ी देर के लिए उसको लूज़ कर जैसे एक इंडिविजुअल है जो एक प्राइवेट जॉब कर रहा है कहीं और वो जॉब पे जाता है और उसका बॉस किसी गुस्से में उसको कहता है यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब और वहाँ पर उसको एकदम इतना शदीद एक वो सेटमैक होता है कि मेरी जॉब चली गई है और वो साइकोलॉजिकली कर जाता है उसके कुलीग उसको लेके आते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है ये इसको पता नहीं क्या हो गया इसका कोई नवस ब्रेक डाउन हो गया है या ये किसी भी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है हिस इज़ नॉट वेल तो आप देखें ये जी पागलों जैसी बातें कर रहा है और इसको बैलेंस नहीं लग रहा तो अब उसके साथ लोग बात कर करें थेरेपिस्ट उसके साथ बात कर रहा है उससे पूछने की समझने की कोशिश कर रहा है उसकी सिचुएशन को कि वो क्या है बट ही डजेंट नो एनी थिंग अबाउट दैट क्लाइंट कि उसका पास क्या है वो किस तरह की पर्सनैलिटी है वो क्या मेडिकेशन ले रहा है उसके घरेलू मिसाइल क्या हैं जिसकी वजह से एकदम ये न्यूज़ उसके लिए इतनी बड़ी शॉकिंग बनी है और उसकी कोपिंग मैगनिजम्स क्या हैं और उसकी इतनी इस सिचुएशन में उसकी कोपिंग इतनी पुअर क्यों है तो यहाँ पर बाजूकत थेरेपिस्ट के लिए भी ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग हो जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है बिकॉज सिचुएशन इतनी अनक्लियर होती है कि उसके अंदर उस इंडिविजुअल के लिए कोई भी डिसीजन लेना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इन दीज टाइप ऑफ क्राइसिस इंडिविजुअल में रीच आउट फॉर एटलीस्ट वेलकम टू असिस्टेंस आप उनको असिस्ट तो कर रहे हैं आप उनको देख तो रहे हैं लेकिन आपको उनके बारे में भी कुछ नहीं पता तो थोड़ा सा जो है वो वहाँ पर एक सिचुएशन में Uh, जो है वो स्ट्रेस या एग्जाइटी थेरेपिस्ट को भी फील करनी पड़ती है वेन मेकिंग जजमेंट एंड एक्टिंग इन एमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशन मेंटल हेल्थ केयर गिवर्स आर अमंग प्रोफेशनल मोर सेंसिटिव टू एथिकल एंड रेगुलेटरी ऑब्लिगे ऐसी सिचुएशन में जो थेरेपिस्ट uh, है वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो ऐसे डिसीजन करे जो एथिकल्स हों जो कि किसी भी तरीके से किसी ऑब्लिगेशन को अंडरमाइन ना करें हों लेकिन दीज कंडीशन पर्टेन वन थेरेपिस्ट आर कंसर्नस अबाउट क्लाइंट्स कंडीशन स्पेशली इफ द इन्फॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट दैन सिचुएशन इज़ इमोशनली चार्ज एंड कोर्स ऑफ एक्शन इज़ अनक्र यहाँ पर यह परेशानी की तीन बातें होती हैं कि सिचुएशन जो है वो इमोशनली चार्ज है यानी एक औरत उसको बहुत ज़्यादा किसी ने मारा है या वो क्यों मारा है कैसे मारा है उस औरत का क्या पास्ट है ये कुछ नहीं पता लेकिन आपने सबसे पहले उसको ऑफकोर्स फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट देना है उसको आपने जो है फिजिकल ट्रीटमेंट भी देंगे उसमें इमोशनली भी ट्रीट करेंगे उसको सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन एक इंडिविजुअल है जो ऐसे लॉस ऑफ जॉब के बाद आया उसकी भी सिचुएशन नहीं पता तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जो स्ट्रेटेजी है क्राइसिस के अंदर ये इसमें एथिकल ऑब्लिगेशन बहुत हाई हो जाती है और ये सम्वर्ड थोड़ी सी टेंस और फ्रस्टेटिंग भी हो जाती है रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ एक्चुअल इमेंडिंग एमरजेंसी थे This says that in a crisis situation when a therapist has to do certain delicate decisions and have to see the ethical side of all the situation at times this equally becomes very distressing and very you know um, um, anxious for them to decide about anything because they don't know much about the given situation.